क्रॉस वोटिंग के फैसले पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के नाम का प्रस्ताव वरिष्ठ नेताओं को सौंपा है, जल्द ही उनके नामों की घोषणा कर कार्यवाही की जाएगी। वडेट्टीवार ने बताया कि पार्टी ने अब किसी को भी समर्थन नहीं देने का फैसला किया है। कार्रवाई देखिए, हाईकमान ने को हमने अपना प्रस्ताव दिया है, प्रदेश अध्यक्ष ने दिया है नाना बहु ने, और हम ये समझते हैं कि हाईकमान ने कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई होगी या उस दिन तो करेंगे, कार्रवाई हो गई तो कुछ तो कार्रवाई उन्होंने की होगी। ये वेणुगोपाल साहब ने बोला है हमारे जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के, तो निश्चित रूप से जिन्होंने अगर इसमें गड़बड़ी की है तो उसके ऊपर कार्रवाई निश्चित होगी और कार्रवाई करने की मंशा और तैयारी हाईकमान ने कर ली है। ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, जो नागपुर का पहला और एकमात्र NABH द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल है, देश के पहले 50 अस्पतालों में से NABH द्वारा पुनः प्रमाणित ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल है। गत 25 से अधिक सालों से मध्य भारत का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में यह अस्पताल प्रसिद्ध है। सभी कैशलेस इंश्योरेंस सेवाएं, साथ ही सभी प्रकार की कॉर्पोरेट सेवाएं भी उपलब्ध है। इस अस्पताल में महाराष्ट्र शासन की महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत क्रिटिकल सर्जरी का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। इसी प्रकार से हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, ट्रॉमा, बर्न केसेस, कार्डियोलॉजी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज, पेडियाट्रिक सर्जरीज, यूरोलॉजी जैसे और भी क्रिटिकल केयर यूनिट है। इसके अलावा यह अस्पताल रेडियोलॉजी, एम्बुलेंस, फार्मेसी, आपातकालीन सेवाएं भी 24/7 प्रदान करता है।